हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जस्ट जयश्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है एग बर्गर। इसकी तैयारी में हमें लगते हैं सिर्फ 10 मिनट और कुकिंग करने में भी लगते हैं हमें सिर्फ 10 मिनट। एग बर्गर के लिए हमें चाहिए कटी हुई धनिया की पत्तियां, कटे हुए धनिया के स्टेम्स और कुछ हरी मिर्चें और हमें चाहिए एक स्लाइस किया हुआ अनियन और थोड़े से कटे हुए प्याज। और हमें चाहिए अंडा और ये मसालों का मिक्सचर जिसमें मैंने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सांबर मसाला। और अब हम चलते हैं ऑमलेट बनाने की तैयारी में। जी हाँ, हम बनाएंगे ऑमलेट वो भी कढ़ाई में। और अब मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून तेल, 1/2 कप गरम हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे अंडा। और अब मैं अंडों पर डाल दूंगी कटे हुए प्याज, हमारे मसालों वाला मिक्सचर जिसमें मैंने नमक, काली मिर्च और सांबर मसाला डाला था, थोड़े से धनिया के स्टेम्स और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और लास्ट में मैं डाल दूंगी इसमें धनिया के कुछ पत्तियां। ये देखिए हमारा ऑमलेट कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम इसे दूसरे साइड से भी कुक कर लेंगे। अब हमारा ऑमलेट दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो गया है। इसे एक बार फिर से पलट लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑमलेट बिल्कुल तैयार है और कितना अच्छा दिख रहा है ना। अब आता है बोनस ट्विस्ट। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़े से बटर में अनियन की स्लाइसेस को कुक कर लिया है। ये आपके बर्गर के टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देगा। इसे जरूर ऐड करिएगा। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने बन को बटर में थोड़ा सा सेक लिया है। अब इसके ऊपर ऑमलेट रख देंगे और अनियन के स्लाइसेस। हमारा टेस्टी गर्मा गर्म बर्गर तैयार है खाने के लिए और इसे मैंने सर्व किया है थोड़े से चिप्स और सॉस के साथ। प्लीज ट्राई करें मेरी रेसिपी। थैंक यू। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।